अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोमीज लाइफस्टाइल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें और दुआ में एक दूसरे को ज़रूर याद रखें। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। सुबह के 6 बजे हम घर से निकले हैं और यह है कराची टूल प्लाज़ा। इस वक्त 6:30 हो रहे हैं और हम टूल प्लाज़ा को क्रॉस करेंगे और आगे जाएंगे। हमने जाना है जामशोरो, और जी जामशोरो में है पिटारो कैडेट कॉलेज, जहाँ पर आज है पेरेंट्स डे। और मेरा बेटा हामिद, जिसका एडमिशन हुआ है पिटारो कैडेट कॉलेज में 8th क्लास में इसी साल, और आज है 28 दिसंबर, और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं पिटारो कैडेट कॉलेज पेरेंट्स डे अटेंड करने के लिए। और 27 दिसंबर को पूरा दिन तेज़ बारिश होती रही है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। सर्दी भी बहुत हो गई है और इस वक्त सुबह सुबह के टाइम काफ़ी धुंध पड़ी हुई है। और रास्ते में बहुत अच्छा सुबह सुबह का मंज़र था। ये छोटे छोटे से पहाड़ हैं जो कराची और हैदराबाद के दरमियान रास्ते में आते हैं। सुबह सुबह के टाइम रोड्स के ऊपर काफ़ी हैवी ट्रैफिक होता है, बड़े बड़े ट्रक और ट्रॉलर्स होते हैं। काफ़ी अच्छा गुजरा हमारा सफ़र, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग घर से निकले थे नाश्ता किए बगैर, तो रास्ते में एक जगह पर रुक के हमने पराठा अंडा खाया। कराची से पिटारो कैडेट कॉलेज 155 किलोमीटर है, और तकरीबन 9 बजे हम कैडेट कॉलेज के गेट पे थे और हम अंदर एंटर हुए और कार को पार्क किया और ग्राउंड में आके बैठ गए। ये 59th पेरेंट डे है। मौसम देखें आप किस तरह का है, धुंध पड़ी हुई है। और कैडेट्स की बैंड परफॉर्मेंस से फंक्शन स्टार्ट हुआ। इसके बाद ग्राउंड में कैडेट्स परफॉर्मेंस के लिए ग्रुप्स की सूरत में आना शुरू हुए ग्राउंड के दोनों साइड से, लेकिन हम जिस साइड पे बैठे हुए थे यहाँ से ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने कोशिश की कि ज़्यादा वीडियो इसी साइड से बनाएं। ये देखें कितनी धुंध पड़ी हुई है। उस दिन पूरा दिन धूप नहीं निकली, मौसम बहुत अच्छा रहा और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और बहुत शदीद सर्दी थी। They are the followers of one Allah and one Rasul. Wearing white uniform, they march in with complete coordination and perfect timing. The white uniform represents their determination, character and sovereignty. In their veins runs the blood of Tariq bin Ziyad, Tipu Sultan and Muhammad bin Qasim. They are the next generation, the future of our nation. Distinguished guests, your immaculate turnout, determined steps and glowing faces speak volumes of their determination and commitment. The fact that they shall rise to the highest glory and shall never leave any chance to serve their motherland to the best of their ability. Respectable guests, you can see the four smartly clad pilots marching towards the dais to take their respective positions. They are Cadet Durre Adan, Cadet Junaid Razaki, Cadet Abdul Sattar and Cadet Mirza Abu Bakr. के बाद ऑनरेबल चीफ गेस्ट तशरीफ लाए, जो थे एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। इसके बाद कैडेट चीफ गेस्ट से परमिशन लेने के लिए गए। The permission is granted by the honorable chief guest. कॉलेज गार्ड के मानने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। चीफ गेस्ट ने कैडेट गार्ड्स का मान लिया। द प्रिंसिपल इंट्रोड्यूसेस द ऑनरेबल चीफ गेस्ट, द सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, कॉलेज एडजुटेंट एंड हाउस मास्टर्स। गौरव, मेहमान खसूसी से असातिज़ा, कॉलेज एडजुटेंट, हाउस मास्टर्स का तारुफ कराया जा रहा है। Thank you.
introduction to the teaching staff is over. तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। Chairman Board of Governors, members of Board of Governors, Commodore Mushtaq Ahmed, Principal Cadet College Pitaro, proud parents, honorable faculty, distinguished guests, and my dear cadets, Assalamu Alaikum. इसके बाद कैडेट्स में इनामात तकसीम किए गए। न्यू स्टूडेंट्स 8 क्लास के कैडेट्स परफॉर्मेंस के लिए आए। इनमें ब्लू कलर की शर्ट्स में शहबाज हाउस के कैडेट्स हैं, हामिद का हाउस भी शहबाज है। Thank you.
Ladies and gentlemen, now they take their position for another exercise, the saluting exercise. Now, they sit and then stand one by one with clothes of different colors in their hands. And now six while the other stands in alternate manner with rings in their hands. कैडेट कॉलेज में चाइनीज़ का सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। फिर चाइनीज़ इंस्ट्रक्टर के साथ मिलके कैडेट्स ने चाइनीज़ एंथम पर परफॉर्मेंस दी। इसके बाद जिमनास्टिक स्टार्ट हुई और कैडेट्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इसके बाद रिंग्स को जलाया गया, लेकिन तेज़ हवा चलने की वजह से सही से जले नहीं, लेकिन कैडेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसके बाद हॉर्स राइडिंग स्टार्ट हुई। नेक्स्ट कैडेट हसन ऑन फाल्कन, कैडेट हसन ऑन बादल, कैडेट कबीर एंड कैडेट उबैदुल्लाह। हियर दे कम एंड दे पिक अप देयर टैग्स। टारगेट्स Ittak Zaleman, pick Zari and picks up the pick. Ittak Zaleman, pick Zari and picks up the pick. जब हामिद का पिटारो में एडमिशन हुआ तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, क्योंकि शुरू से कराची में रहे हैं तो कराची में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब है, इसलिए कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हॉस्टल में जाके रहा जाए। जब हामिद का एडमिशन हुआ तो मैंने नेट पे बहुत सर्च की कि कोई वीडियो मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिसे देख के थोड़ा पता चले कि अंदर का माहौल कैसा है और अंदर रिहाइश किस तरह होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। चंद एक वीडियोज़ ही मिली देखने को, तो तभी मैंने सोचा था कि मैं इस पर व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। आम दिनों में तो अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती, लेकिन क्योंकि आज पेरेंट्स डे है इसलिए अंदर जाना अलाउ है। हामिद है शहबाज हाउस में, हम हामिद का रूम देखने के लिए वहाँ जा रहे हैं। सब हाउसेज में पेरेंट्स के लंच का इंतज़ाम किया गया था, जो कि बहुत अच्छा था। हमने हामिद का पूरा हाउस देखा, रूम देखा। हामिद के रूम में 11 बेड थे, क्योंकि आज से बच्चों की छुट्टियां हो रही थी, बच्चे अपना सामान पैक कर रहे थे और घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, इसलिए रूम सारा बिखरा हुआ है। और जाने से पहले बच्चे बेडशीट उतार के और बाकी सारा सामान अपने कैबिनेट्स में रख के बंद करके गए हैं। हामिद ने अपनी कैबिनेट खोल के मुझे दिखाई कैसी है। हामिद का रूम फर्स्ट फ्लोर पे है और ये शहबाज हाउस के HM का रूम है, और ये बाहर से शहबाज हाउस का व्यू है सारा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।